चापा उमरेड तहसील के कुई थाना क्षेत्र अंतर्गत मटकाझरी गांव में 3 लोग मटकाझरी तालाब में डूब गए। इनमें से 2 के शव मध्यरात्रि 10 से 11 बजे के बीच ही निकाल लिए गए, जबकि 1 की तलाश के लिए काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक मृतक एक ही परिवार के सदस्य है, जो कि आम तोड़ने एवं डब्बा पार्टी करने हेतु 5 गांव सुरगांव में स्थित अपने खेत में आए थे। फिरियादी मनीष दशरथ गडरिया के मुताबिक खेत में आम नहीं होने से घर की ओर जाते हुए परिवार के सदस्य जितेंद्र और संतोष ने कहा कि पास में ही मटकाझरी गांव के पास तालाब है, वहां जाकर डब्बा पार्टी करते हैं। इससे सब लोग सहमत हो गए। मटकाझरी तालाब के पास पहुंचते ही खाने का टिफिन और दरी निकाल कर सभी बैठ गए। तभी अचानक जितेंद्र संतोष ने कहा कि गर्मी ज्यादा है, नहाने के बाद खाना खाते हैं। जितेंद्र शेंडे, संतोष बावने और निषेध राजू पोपट भी खोल पानी में जाकर नहाने लगे कि अचानक पानी का अंदाज न लगने से निषेध डूबने लगा। उसे बचाने जितेंद्र शेंडे और संतोष बावने गए, वो सभी डूबने लगे। उसे बचाने ड्राइवर तालाब में कूदा। ड्राइवर ने निषेध नामक बच्चे को तालाब से बाहर निकाला, तभी उसकी मौत हो गई। फिर जितेंद्र और संतोष भी धीरे धीरे डूब गए। आम तोड़ने और डब्बा पार्टी करने के लिए गए थे और हादसे का शिकार हो गए। ग्रामीणों ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तत्काल कुई पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मटकाझरी तालाब पर पहुंचकर फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देर रात तक पुलिस, ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के सहयोग से सभी 3 शवों को मटकाझरी तालाब से बाहर निकाला गया। उमरेड तहसील के कुई थाना इलाके के मटकाझरी तालाब पर एक ही परिवार के 7 सदस्य पहुंचे थे, जहां तालाब की गहराई में वे सभी 3 लोग डूब गए। इस हादसे के मृतकों की पहचान गुलमोहर नगर भरतवाड़ा नागपुर के जितेंद्र इस्ताराम शेंडे, संतोष किशोर बावने, निषेध राजू पोपट, दोनों स्वामीनारायण मंदिर श्रावण नगर वाठोड़ा मैत्री बुद्ध विहार नागपुर निवासी थे। परिजनों के मुताबिक यह सभी लोग गुरुवार की दोपहर 5 गांव सुरगांव खेत में आम तोड़ने और डब्बा पार्टी करने के लिए घर से निकले थे। इस दौरान खेत में आम नहीं होने से मटकाझरी तालाब पर डब्बा पार्टी करते पहुंचे। तालाब में नहाते हुए 3 लोग गहरे पानी में चले गए और एक दूसरे को बचाने की कोशिश में तीनों पानी में डूब गए। गुरुवार की रात 10 से 12 बजे के करीब गोताखोरों जगदीश खेरे की मदद से रेस्क्यू शुरू किया और सभी 3 शव बरामद किए गए। मटकाझरी ग्राम पंचायत की ओर से पहले ही तालाब पर प्रतिबंधक क्षेत्र का बोर्ड लगाया गया था। वेलकम टू MNM ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा। इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज, बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी। वीडियो के प्रायोजक हैं सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अपने घर को बनाए स्मार्ट और सुविधाजनक। ले जाइए सभी ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस वो भी 0% फाइनेंस पर। विजिट करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने कांटी।